नमस्कार साथियों, आज आपको लेकर चलते हैं अपनी यात्रा के पांचवें दिन पर। आज सुबह हम पावलगढ़ से 6:15 बजे सोकर उठे और आज की चाय हमने बाहर ही पी। तो सवेरे उठकर सबसे पहले हमने अपने इस कैंप को घूमा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैंप किस प्रकार अपने आप से एक विशेषता रखता है। ये आप देखिए, सवेरे का जो सनराइज था इसको क्या कहने। और इसके बाद हम सवेरे, आदतन आपको पहले बताया, सवेरे हम घूमने निकल जाते थे, तो चाय आज बाहर ही पी। और हमने जो आज सवेरे घूमने का, ये नदी लगभग हमारे कैंप से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन हमने इस यात्रा को तय किया पैदल ही और पहुंच गए इस नदी में। अब नदी किनारे पहुंचे और आप ध्यान ना लगाए संभव ही। वापस कैंप लौटे तो नाश्ता तैयार था, पोहा, दलिया और चाय। इसके बाद फिर हमने इस कैंप को एक बार और निहारा और आप देखिए इस कैंप की विशेषता, इसमें किस प्रकार चीज़ों को बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है। आप देखिए इस कैंप को आगे आने वाले बच्चों के लिए किस तरह से एक स्टडी सेंटर के तौर पे भी डेवलप किया गया है, कि प्रकृति से उन्हें जोड़कर कैसे रखना है। ये देखिए, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि शेर के निशान, जो टाइगर बाघ के निशान, कैसे मेल और फीमेल में अंतर होता है, टाइगर का फ्रंट फुट कैसा होगा, उसका हिंग पग कैसा होगा, जबकि डॉग के पंजे के निशान या बिल्ली के पंजे के निशान। तो मनोहर जी ने बहुत बहुत मेहनत कर रखी थी। ये आंवले और आम का बगीचा एक साथ उन्होंने लगा रखा था, खुद ही इसे डेवलप किया। जैसे मैंने पहले बताया, बंजर क्षेत्र था, इसे उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया। स्लो स्लो है, बहुत आराम से चढ़ जाओगे, फिर आपका फ्लैट सरफेस आ जाएगा, फ्लैट जो टेरेन है उसके, फ्लैट के आते ही थोड़े आगे जाके आपको कोटाबाग आएगा। कोटाबाग बहुत ही सुंदर एक गाँव है, ठीक है, एरिया है, पूरा बड़ा बड़ा एरिया है, लेकिन गाँव उसका बहुत प्यारा है। वहाँ पे फोटोग्राफी, फिर वहाँ बैठ के आप लोग थोड़ा जाके स्नैक्स टाइप का कर सकते हैं, चाय, पकौड़ा, छोले, समोसे, वो सब खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही जैसे आप थोड़ा और जाओगे, हल्का एक चढ़ाई के बाद पूरा डाउन हिल आ जाएगा। गजारी बोल के एक जगह आएगा, वहां से पूरा डाउन हिल है, काला डूब, तो पूरा डाउन हिल आ जाएगा। 13 किलोमीटर आपको डाउन हिल मिलेगा आज आराम से। हाँ, लेकिन 13 किलोमीटर का जो स्टार्टिंग है वो हेयरपिन वाला डाउन हिल, ऐसा ऐसा वाला है। वहां इसने ब्रेक गलत मारा और गलत स्पीड में गया, यानी हाई स्पीड में गया, तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा। और गाड़ी भी चल रही है वहां पे, तो टर्न्स पे अगर आपने गलत रॉन्ग साइड पे चले गए और ब्लाइंड टर्न पे, आपको गाड़ी उड़ा सकता है। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, हमने आग के सामने एक्सीडेंट देखा हुआ है, बुरा बुरा हुआ है, सर फट गया, हार्ट ऐसा हड्डी निकला हुआ है, साइकिल पे होता है, ठीक है। तो आपका सेफ्टी आपके हाथ में, मैं किसी को पकड़ के साइकिल नहीं चलाऊंगा, ठीक है, नहीं चला सकता, दैट इज नॉट द राइट। आपको बता दिया गया ब्रेक आपके हाथ में, ये आपका स्पीड कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो डाउनहिल जाने से पहले सब लोग अपना ब्रेक चेक कर लेना है। तो वही है, तो आज तो अभी चलो फॉग मैं देख रहा हूँ, आगे फॉग थोड़ा सा आया, इट्स फॉगी, थोड़ा फॉगी है, व्हाइटिश है, फॉगी है, मतलब इस एरिया हम लोग इस तरफ चलेंगे, यहाँ आए थे और आगे चलेंगे, थोड़ा फॉगी है, जहाँ पे ज्यादा फॉग रहेगा, तो इसीलिए रिफ्लेक्टर हम लोग पहन रहे हैं, राइट क्लोथ्स पहन रहे हैं, ताकि तुम्हारा चाहिए टूट गया ना, कोई बात नहीं। तो अपना संभाल के चलना है बेसिकली, स्पेशली डाउन हिल पे, ठीक है। और ऊपर जाके एक जगह बैठेंगे, चाय वाय मस्त पकौड़े सकोड़े पिएंगे, चाय खाएंगे, ठीक है, और मजे करेंगे। और फिर कैंप पे जाके आपका होटल है, ओके, ठीक है। ब्रीफिंग के बाद मनोहर सर भी हमारे मॉर्निंग एड्रेस के लिए प्रकार से होते हैं, पर इको पर्यटन में सबसे सहयोगी भ्रमण जो कहलाया जाता है वो साइकिल का कहलाया जाता है, जो आप लोग कर रहे हैं लंबे समय से। और ये साइकिल जो है, एक तो आपके शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन को भी बैलेंस बनाए रखता है, और उसके साथ साथ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है। ऐसे जीव को बचा रहे हो जिससे पूरा फॉरेस्ट बचा रहेगा, नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो फिर सब कुछ धीरे धीरे खत्म ही होगा। फॉरेस्ट रेंज की इन सुंदर कलाकृति को देखकर भला किसका मन फोटो खिंचाने का नहीं करेगा। यहाँ से निकलने के बाद जब हम इस खूबसूरत हरे भरे क्षेत्र में पहुंचे तो ये किसी को भी आकर्षित कर सकता है। आप देख सकते हैं, मैं तो 100 बार सूरत है। और देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं बहुत अच्छा साइकिलिस्ट नहीं, मेरे पहली रेंज थी, पहली बार मैं साइकिलिंग कर रहा था। तो आपको इस वीडियो में साइकिलिंग के तो वीडियो शायद ही मिले, लेकिन रुक रुक कर जो मैंने वीडियो कैप्चर किए इस क्षेत्र के, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये अब हम धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज हमारा पावलगढ़ से हमें कालाडूंगी पहुँचना था, और जो टॉप था वो था, हम जो पहुंचने वाले थे कोटाबाग। कोटाबाग आज हमारी सबसे सर्वोच्च ऊंचाई थी, और ये समय हम कोटाबाग पहुंच चुके थे। आप यकीन मानिए, जो पावलगढ़ से कोटाबाग तक की 7 किलोमीटर की चढ़ाई थी, इसने हमारा शरीर पूरे तरीके से तोड़कर रख दिया था, ये मानिए। हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए, बहुत कठिन चढ़ाई रही, लेकिन जब यहाँ कोटाबाग पहुंचे तो यहाँ पर रिफ्रेशिंग होने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ था। बड़े दिनों बाद एक मिठाइयों का सामना, तो यादव जी की खुशी की तो देखते ही बनती है।
कि आज चाय समोसा रसगुल्ला कुछ नहीं छोड़ना था। और ये जो रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं या ढाबा या हलवाई की दुकान, इसे आप किसी भी तरीके से देखिए, इसकी खिड़की से लिया गया मनोरम दृश्य है जो है आपकी चाय और समोसे के आनंद के साथ साथ आपको इस खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का भी आनंद देता है। इसके तुरंत बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे निकले तो यहाँ की जो एक सर्वोच्च चोटी थी वहाँ पर हम सभी साथियों ने, जो आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल चुके थे एक दूसरे के साथ, हम सब ने पूरे ग्रुप ने एक साथ फ़ोटो खिंचवाई और बहुत ही अच्छा हमें लगा। अब इतने खूबसूरत स्थान पर आकर अपने पसंदीदा पोज तो बनता ही है। अब हम कोटावाग पार कर रहे थे, कोटावाग पार करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण, इसमें देखो टायर के जो हब है एक्सेल है उसमें कोई QR ऐसा लगा हुआ है तो उसको हमें चेक करने की लूज है या टाइट है, तो उसको सिर्फ एक उंगली लगा दो आपका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाएगा। नहीं नहीं आधार की तरफ है सर। ब्रेक चेक किए कि नहीं? यस ब्रेक चेक किए। दुनिया बिना ब्रेक के कोई नहीं जाएगा। उत्तराखंड में आज भी जो कृषि है वो पारंपरिक तरीके से हो रही है। आप देख सकते हैं कि बैल और हल का प्रयोग किया जा रहा है और किसान सामान्य फावड़े से अपने खेतों, क्योंकि खेतों का आकार छोटा है। आगे चलकर फिर एक मनोरम स्थान पर ये ITI थी यहाँ की, और यहाँ पर सभी साथी दोबारा रुके और अनेक प्रकार से फोटो आप देख सकते हैं, लोगों के चेहरे की मुस्कान, किसी का भी दिल जीत ले इस तरह की मुस्कान यहाँ पर आप लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं। अब हम पहुँच चुके थे जिम कॉर्बेट के केशवनगर में, बजोनिया के नाम से ये इनका वन क्षेत्र था। अब यकीन मानिए अब हम नीचे मैदान में उतर चुके थे लेकिन ढलान अभी नीचे की ओर था, तो साइकिल की स्पीड बहुत अच्छी थी। इस खूबसूरत जंगल में दोनों तरफ जो हरे भरे पेड़ आप देख सकते हैं उनके बीच में से साइकिल चलाने का रोमांच क्या रहा होगा ये शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन साथियों के जोश के साथ आप समझ सकते हैं कि क्या आनंद हमने वहाँ पर लिया है। शाम को हम 3 बजे के आसपास वापस कैंप आए और एक खूबसूरत शानदार भोजन हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमने भोजन का आनंद लिया और आदतन आराम नहीं किया और सीधा पहुँच गए माँ गड़जिया देवी मंदिर। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, मंदिर एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर बना है और ये मंदिर बिल्कुल नदी के बहुत चौड़े पार्ट के बीच में है। मंदिर में हमने देवी माता के दर्शन किए, ये सामने आप गड़जिया माता के दर्शन देख सकते हैं। यहाँ हमने इस मंदिर की ऊपर परिक्रमा की और चारों तरफ से इस मनोरम दृश्य को देखा और मन में निश्चय भी किया कि अभी नीचे जाकर भी इस मंदिर को देखेंगे कि नीचे से ऊपर कैसा दिखाई देता है। जय गिरजा माँ, जय गिरिजा देवी, नमः। वो अभी यहाँ जब हमने मंदिर के दर्शन किए उसके बाद हम नीचे जो ऊपर से मैदान दिखाई दे रहा था वहाँ गए और यहाँ से हमने इस बेहतरीन जलधारा के साथ काफ़ी समय बिताया और नीचे से ऊपर देखने पर मंदिर बहुत ही आकर्षक लग रहा था। कुल मिलाकर बहुत शानदार यात्रा रही आज की।